सोमवार को सुपेला के होटल हिमालय में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बजरंग दल के पदाधिकारियों को हटाकर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी दी गई। बीते कुछ दिनों पूर्व दुर्ग में बजरंग दल के दो गुटों में विवाद हो गया था। तब से अलग अलग लोग अपने पद की दावेदारी कर रहे थे, जिसका पटाक्षेप करते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुराने पदाधिकारी रतन यादव समेत कुछ लोगों को पद से हटाकर नई नियुक्तियां कर दी गई है। मीडिया को पूरी जानकारी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस प्रकार से दी। आज प्रेस वार्ता आयोजित करने के प्रमुख कारण तो है अपने षष्ठी पूर्ति वर्ष में अपने संगठन के कार्य का विस्तार और चुनौतियों के संबंध में प्रेस और समाज को और शासन प्रशासन को जानकारी देना, कुछ नए दायित्वों के नियोजन की भी चर्चा करना, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ दिन पहले कुछ घटना या अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ विवाद हो गया था, उस विवाद को ध्यान में रख कर के भी एक विषय सबके सामने लाना था कि इस समय वर्तमान में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के दायित्व में प्रमुख रूप से कौन कौन हैं। तो प्रमुख रूप से जो अपने दायित्व में हैं उसमें ऋषि मिश्रा जी प्रांत के संयोजक हैं, शैलेंद्र सोनी जी हमारे विभाग के दुर्ग विभाग के संयोजक हैं, सह संयोजक राकेश रामलोचन तिवारी जी हैं, इसी प्रकार से जिले के मंत्री के रूप में मनीष वैष्णव जी हैं, अमरचंद सुराना जी जिले के अध्यक्ष हैं, पारस जंघेल जी यहाँ के कार्याध्यक्ष हैं, ऐसे इस प्रकार और जो जिसका नाम हम लोग अभी नहीं बता रहे हैं, ऐसे लोग दायित्व से मुक्त हैं। तो इसकी जानकारी शासन प्रशासन समाज और आप सभी मीडिया जगत के सभी बांधवों को होना चाहिए, ताकि समय में उनसे भी चर्चा की जा सके। तो निश्चित रूप से वो बताते हैं, तो आप हम बता सकते हैं कि हमारा पंजीकृत संस्था है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, जिसके प्रांत स्तर के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, बताने से उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी किया जा सकता है। आज हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का 60 वर्ष पूरा अगले साल होने जा रहा है, उसके लिए पूरे हमारे प्रांत में ये तय किया गया कि पूरे प्रांत में प्रेस वार्ता करके अपने संगठन के कार्यकर्ताओं में जागरण लाया जाए, कसावट लाया जाए और उन्हें अपने कार्य पद्धति से सही रूप से अवगत कराया जाए। बजरंग दल के पदाधिकारियों को विवाद नहीं, पदाधिकारी तो जो हैं वर्तमान में वो अलग हैं, कुछ लोग अपने आप को जो बोध मुक्त किए जा सके वो इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और पद स्थापना पद का परिवर्तन तो संगठन में होता ही रहता है और उसे व्यक्ति को मान्य करना चाहिए, कुछ लोग उसको मान नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनके अपने आप, क्योंकि वो संगठन के दृष्टि से नहीं अपने नाम की दृष्टि से काम करना चाहते हैं, इसलिए उनको इस बात की तकलीफ है और ये विवाद की स्थिति हुई, और हम इसका निश्चित रूप से जो वास्तविक पदाधिकारी हैं उनको सामने लाकर इसका निराकरण कर रहे हैं। आप पद से जिन्हें हटाया गया, प्रांत संयोजक रतन यादव जी थे उन्हें हटाया गया, और विभाग संयोजक रवि निगम जी थे उन्हें हटाया गया, रवि भारती जी थे उन्हें हटाया गया, कमल साहू जी को हटाया गया, और नई जो पद स्थापना हुई उस पर ये है आज अमरचंद सुराना विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, पारस जंगेल जी जिला कार्याध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, सुरेश कोठारी सीए जिला कोषाध्यक्ष हैं, डॉक्टर मानसी गुलाटी जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, ठाकुर निहाल सिंह जिला के उपाध्यक्ष हैं, मनीष वैष्णव जी जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद हैं, प्रवीण राय जिला सहमंत्री विश्व हिंदू परिषद हैं, हेमंत साहू जिला सहमंत्री विश्व हिंदू परिषद हैं, तारण जैन अधिवक्ता जिला विधि प्रमुख हैं, डॉक्टर सुमन साहू जिला संयोजिका मातृशक्ति है, नागेंद्र पांडे जिला विशेष संपर्क प्रमुख हैं, दीपक यादव जिला संयोजक बजरंग दल है, सौरभ देवांगन जिला सह संयोजक बजरंग दल है। बजरंग दल के सदस्यों को हम यही सहयोग संदेश देना चाहेंगे कि हमारा कार्य हिंदू जागरण का है, निष्ठा का है, हिंदू संस्कार और हिंदू भाव के जागरण का है, हमें हिंदू समाज को एक करना है, आपस में अपने बीच के किसी के दुर्भाव नहीं रखना है, कोई कुछ गलत भी करता है तो हमने समझाइश देकर उसके रास्ते पर रखकर कम से कम पूरे हिंदू समाज को एक रखने के हमारे बजरंग दल की कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है।